केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सोनीपत के साई सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने 40 करोड़ की लागत से बने हॉकी एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड की आधारशिला रखी। साथ ही हॉकी एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड को खिलाड़ियों को समर्पित किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने तीरंदाजी में हाथ आजमाया और टारगेट पर निशाना साधा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अनुराग ठाकुर पहुंचे साई सेंटर, जहां पर तीरंदाजी में निशाना लगाते हुए अनुराग ठाकुर नजर आए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि विवाद दुकान खाली करवाने को लेकर हुआ और देखते देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दो गुटों के बीच लात घूंसे चलने लगे। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ महिलाएं आपस में मारपीट करती हुई नजर आई। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तभी दो आदमी डंडे के साथ पहुंच गए और उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो महिलाएं नहीं मानी और एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट करती रहीं। इसी बीच वहां मौजूद एक आदमी को गुस्सा आ गया और वो महिला पर दनादन थप्पड़ जड़ने लगा। वहीं दूसरा आदमी उन लोगों को हटाने की कोशिश करता दिखा। काफी देर तक तमाशा चलता रहा, हालांकि बाद में वहां मौजूद लोगों ने मामले को शांत कराया। अपने कुछ साथियों को लेकर जो है उस दुकान में जाकर उनके सामान फेंकने का प्रयास की है और उनके दुकान में घुसकर जो है तोड़फोड़ की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दो गुटों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश के देवास से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने कर्मचारी की पिटाई कर दी। आरोप है कि उस कर्मचारी ने अवैध तरीके से उन लोगों से वसूली की, जिससे गुस्साए लोगों ने उस इलाके के सीएमओ के सामने ही उस कर्मचारी की पिटाई कर दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग उस कर्मचारी से बहस करते हुए नजर आए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उनमें से एक आदमी ने उस कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे बात बिगड़ गई और हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने एक नहीं सुनी और उस कर्मचारी पर लात घूंसे बरसाते रहे। हालांकि किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया। वीडियो वायरल होने के बाद कर्मचारी को हटा दिया गया। भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज इंडियन नेवी की ताकत बढ़ने वाली है, क्योंकि आज इंडियन नेवी में शामिल होने वाला है विध्वंसक युद्धपोत मारमुगाव। ये युद्धपोत स्वदेशी निर्मित है। इसमें आधुनिक रडार और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लैस है। बीते एक साल से इस युद्धपोत का परीक्षण किया जा रहा था। इंडियन नेवी के जंगी बेड़े में एक और विध्वंसक बाहुबली शामिल होने जा रहा है। भारत का यह स्वदेशी युद्धपोत छुपकर दुश्मन को तबाह करने में माहिर है। इस युद्धपोत के इंडियन नेवी में शामिल होते ही भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस युद्धपोत की मारक क्षमता ऐसी है कि दुश्मन इसका नाम सुनकर ही खौफ में आ जाता है। चीन की पीएलए नेवी ने जब से आईएनएस मारमुगाव के कमीशन होने की खबर सुनी, तब से उसके नेवी अफसरों के होश उड़े हुए हैं। समंदर में चीनी नेवी की थाल लेने भारत का ये महाबली आईएनएस मारमुगाव ऐसे समय में नौसेना में शामिल हो रहा है, जब अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। आईएनएस मारमुगाव पर एक साथ 300 से ज्यादा सेलर नेवी के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने आ रही ये वॉरशिप एडवांस रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है, जिसमें सतह से सतह और सतह में हवा से मार करने वाली मिसाइलें तैनात है। 163 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़े इस वॉरशिप का वजन 7400 टन है। इसकी कई खास खूबियों की वजह से स्वदेशी वॉरशिप को इंडियन नेवी के सबसे घातक वॉरशिप में गिना जा सकता है। समंदर में इसकी स्पीड भी शानदार है। इसके प्रोपलर्स को 4 गैस टरबाइन से पावर मिलती है, जो इसे समंदर की लहरों पर 30 नॉटिकल माइल से ज्यादा की स्पीड देती है। जो सबसे पहला वेपन है वो आप सामने देख रहे हैं, इसको कहा जाता है SRGM, मीडियम रेंज गन। मीडियम रेंज गन जो है वो 16 किलोमीटर की रेंज में किसी को भी फायर कर सकती है। INS मारमुगाव समंदर की लहरों पर इठलाने जा रही पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान का वो प्रतीक है, जिसे नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसका निर्माण मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया।